हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। 9 रुपये में जैसे कि आपको गैस भगा देता है, तो उसी तरह पौधे का हर कीड़ा भगा देता है। इसे आप इस्तेमाल करेंगे तभी आपको विश्वास होगा। इस चीज़ से आप अनजान हैं तो एक बार मेरा कहने से आप इसे यूज करके देखें, तो आप हमें ज़रूर नाम लीजिएगा कि ये पौधा में जितना भी कीड़ा था, जैसे कि मिली बग हो गया, एक चिपचिपा कीड़ा होता है, एक रूखी टाइप का कीड़ा होता है, एक भुआ पिल्लू होता है, मैंने पेड़ का जो भी अनेक तरह का रोग लगता है, कीड़े से ही रोग लगता है, और कीड़ा अटैक कर दिया तो पौधा को मार भी डालता है। तो इस तरह का अनेक प्रकार के कीड़े को आप भगा सकते हैं, और भी बिल्कुल 9 रुपया का खर्च में। दोस्तों, ये चीज़ कैसे हम बनाते हैं, इसे हम बना कर आपको दिखाते हैं, ताकि आप भी 2 मिनट में हर कीड़े को भगा देंगे। जैसे कि आपका पेट में जैसे कि कोई भी गैस भगा देता है, उसी तरह 2 मिनट में हर कीड़े को भगा देता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का हमारा नई वीडियो में। आज आपको जानकारी देंगे इनू के बारे में कि आपको कीड़ा कैसे भगाना है। तो दोस्तों, कीड़ा को पहले आप समझिए। ये जो कीड़ा है, ये मिली बग नहीं है, पर मिली बग ही जैसा खतरनाक कीड़ा है। ये जो पीला पीला आप देख रहे हैं, पेड़ को पूरा लिप्त किए हुए है, पूरा ढांके हुए हैं, ये कीड़ा बहुत ही खतरनाक है। आप इसे नज़रअंदाज करेंगे तो ये कीड़ा जो है, हर एक पत्ता का, जैसे कि ये यहाँ से विकसित हो रहा था तो इसे खाना स्टार्ट कर दिया है, और इस तरह पूरा पेड़ में लगकर पूरा पेड़ को ही समाप्त कर डालेगा। और जब समाप्त हो जाएगा, जब पेड़ आपका डहनिया सूख जाएगा, तो ये कीड़ा भी उड़ने लगेगा। ये कीड़ा उड़ने लगेगा एक रूखी का माफिक, आपको जब इस पर हाथ डालेंगे कुछ पत्ता वगैरह तोड़ने के लिए, तो पूरा आपका हाथ में बैठ जाएगा। एक समझिए कि आपका जैसे बालों में जुआ होता है, और जू का जो अंडे होता है, बिल्कुल अंडे के ही जैसा रहता है, क्योंकि आप इसे कितना भी हाथ से हटाना चाहेंगे तो आपका हाथ में भी बैठेगा, फिर उसी तरह डाली में आकर बैठ जाता है। तो इसको दोस्तों भगाना बहुत ही आसान है, केवल आपको जानना आना चाहिए कि इसी किस चीज़ से एलर्जी है। तो एलर्जी इससे सरफ का पानी से हो गया, इनू से हो गया, कोई भी मस्टर्ड ऑयल से हो गया, तो ये तीनों चीज़ कर मिला कर और लगा डाल कर इसमें आप भगा सकते हैं। तो बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि डोज कम या बेसी आप डालते हैं तो उससे भी पौधा को नुकसान होता है। पहले इसके बारे में आप जानें कि कितना पानी में और कितना सरफ पड़ सकता है, या कितना मस्टर्ड ऑयल पड़ सकता है, और आपका इनू पड़ सकता है। तो तीनों चीज़ कर मिला कर आप बहुत ही अच्छा दवाई बना सकते हैं, और भी घर पर ये चीज़ आपका घर में अवेलेबल होता ही होता है। तो आइए जानकारी देते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, ये रहा 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी में आपको तीनों चीज़ मटेरियल मिलाना है, पर कितना कैसे मिलाना है वो आपको आज अभी बताएंगे। पर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे वीडियो को कर दे लाइक, और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह वीडियो डालें तो मेरा नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके पास पहुंचे, ताकि इस तरह का केमिकल का जो बना रहे हैं, हर कोई को पसंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा इसमें प्यार दिखा रहे हैं आप लोग। तो ये चीज़ कभी भी हम कोई भी गलत नहीं बताते, ताकि आपका जो भी पेड़ है बहुत ही अच्छा से फले फूले खिले। तो आइए आपको बताते हैं, इसे आपको डालना है बाद में। दो चीज़ पहले डालना है, वो दो चीज़ क्या है। तो दोस्तों, आप सरफ देख रहे हैं, सरफ एक्सल, तो आप कोई भी प्रकार का सरफ ले सकते हैं जो अपने घर में आप यूज करते हैं। ये सरफ हम अपने घर में यूज करते हैं, तो यही सरफ आप डालेंगे। अपने घर में कोई भी सरफ यूज करते हैं, जैसे कि एरियल हो गया, सरफ एक्सल हो गया, कोई भी सरफ आप करते हैं यूज, तो सरफ में दोस्तों क्या होता है, सरफ में होता है सल्फर। और कीड़े को वो कैसे मारता है, जैसे उसका जो स्किन होता है, स्किन में उसका स्किन फटने लगता है, और उसी वजह से कोई भी कीड़ा हो, जैसे कि मिली बग हो गया, मिली बग भी इसमें बहुत ही अच्छा असर करता है, और ये पीले कीड़ा, तो इसको डालना बहुत ही आसान है। आप इसे कटोरी में घोल कर डालें, चाहे इस तरह डाल दें। इस पानी में 1 चम्मच आपको सरफ डालना है, मात्र 1 चम्मच। अब आ गया दोस्तों, ये हमारा इंजन का सरसों तेल है।
अपने घर में कोई भी आप ऑयल यूज करते होंगे वो आप डाल सकते हैं, पर सरसों का तेल बहुत ही ज़्यादा असर करता है। तो अब आपको डालना है एक चम्मच आपको इसमें डाल देना है। यदि आपके घर में नीम ऑयल है तो वो भी डाल सकते हैं, यदि नहीं है तो आप सरसों तेल भी डाल सकते हैं। पर सरसों तेल डालने का वजह क्या है आपको ये बताते हैं। सरसों तेल जब पेड़ में चिपकता है तो कहीं ना कहीं ये मोम का काम करता है और कीड़े का उस पर सफाया करता है। जब वो चलना स्टार्ट करता है तो वहाँ से कीड़ा फिसलना स्टार्ट कर देता है और इस सरसों तेल का गंध उसको पसंद भी नहीं आता है। जैसे कि नीम ऑयल का पसंद नहीं आता, उस तरह सरसों तेल का भी पसंद नहीं आता है। तो ये हमारा पेड़ को कवर कर देता है, जैसे मोम कवर करता है उसी तरह ये कवर कर देता है। अब आ गया आपका इनू भी ज़्यादा नहीं डालना है, वो आपको बताएंगे कितना डालना है। इसे भी एक चम्मच, मात्र एक चम्मच। देखिए ये अपना काम करने लगा, ये पूरा पानी को मिलाने लगा। और इससे आपको क्या करना है, फटाक से डालना है, लेट नहीं करना है। और इसका डालने का समय कब है, जैसे कि आप सुबह सुबह डालें बिना किरण उगे हुए, किरण ना उगे, सूरज ना उगे, ताकि हमारे पेड़ पर कोई भी असर ना दिखाए। या तो आप शाम को डाल सकते हैं, क्योंकि शाम और सुबह ही पेड़ में कोई भी केमिकल कोई भी दवाई डाला जाता है वो ज़्यादा असर करता है, ताकि पेड़ को नुकसान नहीं पहुँचाता है। अब इसे आप दोस्तों, इस तरह का स्प्रे यदि आपके घर में नहीं है तो आप कोलिन यूज करते होंगे घर के सफाई के लिए, तो वो बोतल में पर भी आप डालकर बना सकते हैं। जैसे कि इसमें कम ज़्यादा तेज या फुहारे वाला, तो उस तरह उस पर भी होता है, उसे घुमाया जाता है। तो आप इस तरह आप घुमाकर कीड़े को भगा सकते हैं। ये बहुत ही असरदार है, क्योंकि जब आप स्प्रे करते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ जाता है और पेड़ में जितने कीड़ा होता है वो गिरा डालता है, फिर इस केमिकल से वो कीड़ा रिटर्न नहीं आएगा, उसका सफाया हो जाता है। और दोस्तों एक बात और बताएं आपको, कि जो इस तरह डाले हैं तो इस तरह डालने से इसमें चींटियां भी आती है, तो चींटियां का जब अटैक होता है, जब कीड़ा मर के गिर जाता है तो उसमें चींटियां आना स्टार्ट हो जाता है उस कीड़े को खाने के लिए। तो आपके घर में यदि बेनीगर होगा तो इसके डालने के बाद दो दिन के बाद आप बेनीगर भी डाल देते हैं तो आपके घर में या पेड़ में चींटियां नहीं आएगी। तो आपको दोस्तों इस तरह आपको करना है। जैसे कि आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ में हमारा कीड़ा लग चुका था, कीड़ा अटैक हो चुका था। जब इस तरह हम डाले हैं तो इस पर एक भी कीड़ा नहीं है, इस पर एक भी कीड़ा नहीं है। और इसे हम कटिंग से ग्रो किए थे, इसका वीडियो तो आप देखे ही होंगे यदि आप पुराना होंगे तो। दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं, ये हाथ में हम तोड़ कर रखे हैं और ये तोड़ कर दिखाते हैं कि इसे कैसे भगाया जाता है। देख सकते हैं तुरंत सफाया हो रहा है, इसका तुरंत गिरना स्टार्ट हो गया है ये चीज़। ये आपको हम पेड़ में भी दिखा सकते थे, पर इससे कीड़ा कैसे गिर रहा वो दिखाना हमको जरूरी था। पूरा सफाया हो गया। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कीड़ा चिपका हुआ था और यहाँ से पूरा खाली हो गया है। तो इसी तरह यदि आपका फुहारा मारने से कीड़ा नहीं भी भाग रहा है तो कुछ देरी के बाद आप देखेंगे उस जगह से कीड़ा अपना स्थान छोड़ देगा और वो मिट्टी में आपका गिर जाएगा। मिट्टी में गिरने के बाद उस पर चींटी का अटैक होगा तो आप बेनीगर लगा सकते हैं। तो इस तरह का हमारा जानकारी, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।